खबर एटा जनपद से है, जहां रिपब्लिक नेटवर्क टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। कई दर्जन एबीवीपी के छात्र उतरे सड़कों पर, दीनदयाल उपाध्याय चौराहे पर किया जमकर विरोध प्रदर्शन और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का फूका पुतला। वहीं आक्रोशित छात्रों ने पुतले पर चलाई लाते और जूते और महाराष्ट्र सरकार को हिदायत देते हुए जल्द अर्नब गोस्वामी को रिहा करने की मांग की। एटा उत्तर प्रदेश से विकास दुबे की रिपोर्ट। कुशल गिटौलिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी। अभी आपने उद्धव सरकार का पुतला फूंका है, क्या वजह है? जैसा कि हम सभी को जानकारी है, कल महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार ने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे मीडिया कहा जाता है, उसके हमारे मीडिया के पत्रकार अर्नब गोस्वामी जी को वहाँ के लोकतंत्र के उनके नैतिक मूल्यों पर हनन करते हुए, लोकतंत्र को दबाते हुए, वहाँ पर जिस तरह से बिना वारंट के जो गिरफ्तारी उद्धव ठाकरे की सरकार ने अर्नब गोस्वामी जी की है, उसके सम्मान में, पत्रकारों के सम्मान में पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसका विरोध करती है, कड़े शब्दों में निंदा करती है। और जब तक उद्धव सरकार अर्नब गोस्वामी की रिहाई नहीं करती है, इस पूरे देश के अंदर विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करती है।